तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डपैड के अंदर होम टैग के बारे में। तो ये हमारा कोर्स चल रहा है वर्डपैड का, जो ये वीडियो चैप्टर 3 है। तो कवर करेंगे वर्डपैड में, कवर करेंगे पहला क्या है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में क्या क्या आता है, इस सबको कवर करेंगे। यहाँ पे दिया जाएगी वर्डपैड, इस सबको हम कवर करेंगे। क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ जो भी होते हैं उसको हम कवर करेंगे, इसका यूज क्या कैसे किया जाता है और क्यों होता है। तो यहाँ पूरा नोट्स में लिखा हुआ क्लिपबोर्ड, यहाँ इसका जो रेड कलर जो है उसका शॉर्टकट की, आप शॉर्टकट की के मदद से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट का यूज कहाँ पर होता है, ये जैसे यहाँ देखिए कट, रिमूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड प्लेस इट ऑन द क्लिपबोर्ड। यहाँ देखिए ये फॉन्ट का भी है सबका, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो यहाँ देखिए, मान लो ये जो टेक्स्ट है एक पैराग्राफ है, जैसे यहाँ हम पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ लिख लिया। और ये कब, यहाँ देखिए होम टैब के क्लिपबोर्ड में कट कॉपी और पेस्ट तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन का यूज हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो कट का मतलब क्या होता है कि जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके अगर कट पे क्लिक करेंगे तो वो कट हो जाएगा। और जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ आपको पेस्ट हो जाएगा, मतलब वहां से कट कर किसी और जगह पेस्ट करना हो तो हम कट का यूज करेंगे। और ये अंडो हो गया और ये रीडो, अंडो रीडो, ये इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे हमको बैक करना है, यहाँ जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ था इसको करना है, तो हम अंडो रीडो से हम कर सकते हैं। आगे इसको जहाँ था इसे कंट्रोल जेड या कंट्रोल वाई से भी कर सकते हैं। तो कट का यूज समझे। और मान लो कि ये पैराग्राफ है, मान लो ये पैराग्राफ हमको यहाँ पर भी चाहिए, तो इसका हम कॉपी का यूज करेंगे, क्योंकि इसका डुप्लीकेट, कॉपी का यूज क्या होता है डुप्लीकेट, और कट कॉपी का यूज हम क्या करेंगे उसको सेलेक्ट करके करेंगे। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट किया और कॉपी का, कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया, देखिए तो यहाँ क्या हुआ इसका डुप्लीकेट हमें यहाँ दे दिया। जैसे मान लो कि ये वाला जो वीडियो है इसका हमको यहाँ चाहिए, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल भी से भी आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल अब भी टिप किया तो यहाँ देखिए यहाँ वर्ड वीडियो प्रोवाइड था यहाँ आ चुका है। अगर आप इसको कट करके अगर यहाँ करेंगे तो इसका कट होके यहाँ आ जाएगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया कट पे, आप कंट्रोल एक्स से भी दबा सकते हैं, यहाँ देख लीजिए शॉर्टकट की, कंट्रोल एक्स किया यहाँ आपका कट हो गया। और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आप कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं या तो यहाँ पेस्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आ गया। तो कट कॉपी पेस्ट का यही यूज होता है, कट करना है सेलेक्ट के कट करो और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट करो। तो क्लिपबोर्ड का जान गया, फॉन्ट का समझिए। जैसे मैं यहाँ अंडो कर देता हूँ, अंडो कर दिया, और यहाँ देखिए बोल्ड का कहाँ यूज क्या यूज होता है, यहाँ इस ऑप्शन में फॉन्ट में देखिए, फॉन्ट ग्रुप्स में ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इस सब का यूज क्या कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए एग्जांपल में ये है नॉर्मल, और इसको मैं जो फॉन्ट फैमिली दिया हूँ, सॉरी फॉन्ट फैमिली जो दिया हूँ इसका देखिए, ये पहले इसे था और इसका फॉन्ट फैमिली ये हुई है। बोल्ड का देखिए ये नॉर्मल है और मैंने बोल्ड, इसको बोल्ड किया कंट्रोल वी से, तो यहाँ देखिए ये बोल्ड हो गया, डार्क हो गया। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ फॉन्ट फैमिली, जैसे इसको हमको इसका स्टाइल बदलना है, इस फॉन्ट का स्टाइल बदलना है, तो हम क्या करेंगे इस ऑप्शन में जाके आप कोई भी चॉइस कर ले। यहाँ देख लीजिए तो ये आ चुका है, तो ये इसका फॉन्ट फैमिली हुआ। ये इसको आप टेक्स्ट को स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें चाहिए एमएस सेरिफ में, देखिए ये आ चुका है। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले और यहाँ जाके एमएस सेरिफ देखिए आ गया। तो इसका यूज होता है क्या, टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए, उसका फॉन्ट का स्टाइल करने के लिए। इसका क्या यूज है, इसका आप साइज बढ़ा सकते हैं, पैराग्राफ का साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, और इसे आप इसके फॉन्ट भी छोटा कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है, फॉन्ट साइज बड़ा करने का, सेलेक्ट करके आप इसका, जैसे हमें वीडियो का भी बड़ा करना है या तो आप इससे कर लो या तो आप डायरेक्ट जाओ और ऑल्ट पे क्लिक करो, तो इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं। बोल्ड, बोल्ड का क्या आता है, बोल्ड मतलब डार्क,
जैसे मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, यहाँ बोल्ड किया, तो ये देखिए पहले ये था, यहाँ देखिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया कंट्रोल भी। अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो ये देखिए अंतर देखिए, ये डार्क हो गया, आइए नॉर्मल था, ये नॉर्मल हो गया। बोल्ड का समय इटैलिक क्या होता है, इटैलिक वो होता है आपका जो जो टेक्स्ट होगा उसको इटैलिक में तिरछा कर देगा, पहले ये था, ये देखिए तिरछा। अंडरलाइन क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको अंडरलाइन एक लाइन घिंच के दे देगा लाइन, जैसे हमारे वीडियो में इसको लाइन चाहिए नीचे तो यहाँ लाइन आप घिंच सकते हैं सर। यहाँ देखिए स्ट्राइक थ्रो में क्या होगा, स्ट्राइक थ्रो में जैसे ये वीडियो में डबल ओ आ गया, जैसे ये वीडियो में गलत है तो आप इसको स्ट्राइक थ्रो दे सकते हैं, यहाँ देखिए ये गलत है। तो इसका यूज फॉर्मूला में किया जाता है और इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज सीख लीजिए। जैसे यहाँ मैंने एक जैसे यहाँ एक फॉर्मूला लिख लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, देखिए यहाँ स्क्वायर होना चाहिए इसके ऊपर, तो यही पे आपका इसका यूज होता है। जैसे मैंने इस दो को सेलेक्ट किया और यहाँ जो सुपर स्क्रिप्ट जो है उसको मैं क्लिक किया तो ये बेहतर लग रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका यूज फॉर्मूला में किया जाता है और इसका आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट में भी एक सूत्र में किया जाता है, जैसे इसको मैं सुपर स्क्रिप्ट को जैसे एक सूत्र लिख लिया एच एच टू ओ। अब देखिए एच टू ओ जो है टू जो है छोटा होना चाहिए, मतलब नीचे होना चाहिए टू और ओ ऐसे रहेगा, तो इसको क्या करें दो को सिलेक्ट करेंगे टू को और यहाँ सब स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो ये एच टू ओ परफेक्ट है, ये सूत्र है H2O, तो इसका यूज इसमें यही में होता है। और यहाँ देख लीजिए इसका, ये तो आप जान चुके हैं, ये एक फॉन्ट कलर टेक्स्ट कलर टेक्स्ट, मतलब जिसको मैंने मान लो पैराग्राफ का टेक्स्ट बदलना है तो मैं यहाँ जाके पैराग्राफ का कोई टेक्स्ट जो है कलर चाहिए येल्लो तो येल्लो ले सकते हैं। देख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि अपने मन में तो यहाँ मोड पे ऑप्शन जाके आप कलर को च्वाइस कर सकते हैं, या आप यहाँ डिफाइन कस्टम कलर से भी आप यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का पकड़ के ड्रैग कीजिएगा और यहाँ आपको पता चल जाएगा कि कौन का। जैसे मैंने यहाँ रेड लिया और ओके प्रेस किया तो यहाँ देखिए रेड आ चुका है। तो इसका यूज इसका क्या था टेक्स्ट कलर, ये क्या है हमारा, ये हमारा होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हाईलाइट कलर जैसे वीडियो देखिए वीडियो गलत है, अब इसको हाईलाइट कलर देना है तो आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको हाईलाइट कलर दे सकते हैं, यह हो गया टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये समझ गए क्लिपबोर्ड्स के बारे में और फॉन्ट्स के बारे में कि इसका यूज कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब चलते हैं पैराग्राफ में, तो यहाँ देख लीजिए पैराग्राफ पैराग्राफ यहाँ पूरा एग्जांपल के साथ यहाँ लिखा हुआ, जहां से यहाँ सॉरी यहाँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर होना चाहिए था तो गलती से हो गया, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। तो यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो चुका है, यहाँ पर भी देख लीजिए सूत्र का H2O का इसका शॉर्टकट की भी है, जो जो रेड कलर से होगा वो शॉर्टकट की होगा, आज इसका रेड कलर नहीं है तो उसका शॉर्टकट की नहीं होता है। तो चलिए यहाँ चलते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ का पहला तो यहाँ है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये है सेंटर और ये है अलाइन टेक्स्ट राइट और ये जस्टिफाई। अब इस तीनों को समझिए पहले, ये लेफ्ट है क्या है कि अगर आपको इस लेफ्ट से स्टार्ट करना है ये लेफ्ट से तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये सेंटर करना है पूरे को तो आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, ये देखिए सेंटर में पूरा टेक्स्ट आ रहा है, अगर आपको लेफ्ट की तरफ से बड़ा सीधा करना है तो आप लेफ्ट की तरफ से कर सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट की तरफ से और इसको राइट की तरफ से, ये लेफ्ट हो गया ये सेंटर हो गया ये लेफ्ट हो गया ये राइट। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई दोनों को बराबर करेगा, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए जस्टिफाई दोनों को बराबर करेगा, तो यही होता है लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। और यहाँ देखिए ये है डिक्रीज इन डेप्थ, मतलब इस टेक्स्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं और इसको डिक्रीज कर सकते हैं, तो इसी का यही काम है हमको, अगर इसको बढ़ाना आगे जैसे ये पैराग्राफ सबको यहाँ चाहिए तो आप इसको टैप से भी कर सकते हैं, टैप की वजह से
कैप लॉक्स के ऊपर जो है टैप की आप इससे भी कर सकते हैं और आप इससे भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे करके कर सकते हैं। ये तीन डिफरेंस है इसमें। और ये बुलेट्स है, जैसे मैंने यहाँ देखिए ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये बुलेट का यही काम करता है। यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस नाम से बुलेट चाहिए, जैसे पॉइंट में चाहिए, 1 2 3 में चाहिए, ABCD में चाहिए, कैपिटल में, स्मॉल में, या कैपिटल में, या यहाँ आपको रोमन में चाहिए, या यहाँ आपको कैसा कलर चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 चाहिए, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने ये दोनों को सेलेक्ट किया और बुलेट्स ऑप्शन में गया, यहाँ पर बुलेट के नाम पे यहाँ पर स्टार्ट अ लिस्ट आ रहा है, उसी का वही काम होता है। जैसे मैंने यहाँ किया तो देखिए यहाँ इस ऑप्शन में गौर कीजिएगा, 1 2 3 है तो 1 2 आ गया, 1 2 चाहिए, ABCD चाहिए, ABCD जैसे यहाँ आया, और यहाँ पर मैं इंटरफेस करता हूँ तो 3 आया, और मैं कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ आपको 1 2 3 करके आपको दे देगा। अगर आप इंटरफेस करते रहेंगे तो 1 2 3 4 देता रहेगा। ये हाइट विड्थ है, जैसे देखिए मैंने ये देखिए ये इसका जो हाइट है, यहाँ देखिए इसका जो ये खाली सीट है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से देखिए क्लिक किया तो ये रिमूव हो गया। अगर हमको ये दोनों को मतलब इतना जो है इसको सटाना है इस तरह से तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके एड स्टेप्स को आप क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो चुका है, और यहाँ जाके 1 पॉइंट कर देंगे। तो मैं पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ जो हमारा ये 1 2 3 जो है ये सेंटीमीटर में है, तो हमें क्या चाहिए कि लेफ्ट में जो सेंटीमीटर है हमें वो 3 पे चाहिए, तो हम यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख देंगे और ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 3 पे आ चुका है। तो आप इसको लेफ्ट राइट जैसे भी करना चाहते हैं वैसे आप करा सकते हैं, ये लेफ्ट होगा राइट होगा सेंटर चाहिए या जस्टिफाई आप उसे कर सकते हैं। यहाँ टैप की प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन होगा टैप स्टॉप पोजीशन, जैसे मैं यहाँ पर 7 देता हूँ या 7 और सेट किया और ओके प्रेस किया तो यहाँ देखिए 7 के नीचे एक एल डॉट आ रहा है। अगर हम इसको टैब की प्रेस करेंगे तो वह 7 पे आ जाएगा। आप इसको यहाँ से क्लिक करके भी आप ला सकते हैं, जैसे मैं यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा 7, अब इसको चाहिए हमें क्या यहाँ पर पहले इसको डिलीट करो और यहाँ पर दे दो नेम, और यहाँ नेम पे ये पहला नेम, और यहाँ जो अपना नेम जो होगा इस यहाँ पे आएगा टैप की प्रेस से। जैसे मैंने यहाँ देखिए और यहाँ पर टैप की प्रेस किया तो ये यहाँ आ चुका है। अब इसको पकड़ के आप यहाँ से भी ले कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिर्फ, और यहाँ पर भी आप कुछ एड्रेस टाइप की कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको नाम वैम एड्रेस करने के लिए आपको इसका यूज होता है पैराग्राफ का। तो पिक्चर क्या है, पिक्चर आप पिक्चर ले सकते हैं इस वर्डपैड के अंदर से। जैसे यहाँ मैं पिक्चर क्लिक किया तो यहाँ एक पिक्चर आया, जैसे स्क्रीनशॉट में देखिए एक पिक्चर है ये वाला, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये पिक्चर आ गया। तो इससे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इस वर्डपैड के अंदर। इस पर राइट क्लिक करिएगा तो कुछ ऑप्शन आएगा, ये पैराग्राफ है, ये लिस्ट है, लिस्ट में आप एक लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ देखिए लिस्ट, हमें लिस्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से नन कर दो। अब हमें क्या चाहिए, चेंज पिक्चर, हमें ये नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, तो अब इस पर क्लिक करके आप चेंज पिक्चर कर सकते हैं। जैसे इसको चेंज कर दिया, और दूसरा ऑप्शन क्या है, रिसाइज पिक्चर, इसको रिसाइज पिक्चर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दो 40 पर 40 और वर्टिकल में लिख दो 30, मतलब दोनों यहाँ ले रहा है तो यहाँ 40 40 कर दो, सॉरी 40, तो इसका जो साइज होगा देखना 40 40 हो चुका है। और तो ये समझ गया इसके बारे में, इसको राइट क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या है, पेंटिंग ड्राइंग, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेंट जो होता है वो ओपन हो जाएगा, एमएस पेंट। अब इसको बड़ा कर लो और इस पे आप जो भी आप पेंट करेंगे, इस पे जो भी पेंट करेंगे वो पेंट आप, जैसे मैंने यहाँ पेंट कर लिया जीके का, और इसको आप कट करेंगे तो जो यहाँ आप पेंटिंग करेंगे उस पेंटिंग ये वर्डपैड में आ जाएगा। ये देखिए वर्डपैड में आ गया।
अगर इसमें थोड़ा सा और कुछ करना है तो इस पर डबल क्लिक करें या तो राइट क्लिक करें और यहाँ अब यहाँ देखिए ओपन विथ माय इमेज ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करें तो आपका वर्डपैड सॉरी ये पेंट ऑप्शन खुल जाएगा। आपको इसको क्लिक करना चाहते हैं, जैसे ये वाला कलर चाहिए हमको और ये इस पर ब्रश कर ले लो और ये चाहिए, मान लो ये बनाया और इसको कट कर दिया तो ये ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जिस पेंट आप करेंगे इसको मतलब वर्डपैड में आपको पेंट का कोई जरूरत है इसे पेंट करें क्लोज करें तो ये क्लोज हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करके भी आप पेंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डेट और टाइम। डेट और टाइम, यहाँ डेट और टाइम पर क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन खुलेगा। आप डेट टाइम एकदम जो रियल होगा वो रियल आ जाएगा, जैसे आज मेरा टाइम हो रहा है तो उस टाइम पे आपको दिखा देगा। आप टाइम का फॉर्मेट हमको चॉइस करना है, जैसे यहाँ देखिए 17 डेट डेट ले सकते हैं या यहाँ टाइम ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ चाहिए जैसा भी डेट और टाइम चाहिए, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 17/9/2024 क्लिक किया तो ये आ गया। फिर इसका टाइम चाहिए, अब हम टाइम लेते हैं, ओके प्रेस किया तो टाइम आ गया स्पेस। तो डेट टाइम देने के लिए आपको 20:26 हो चुका है, मतलब 8:26। डेट और टाइम समझ गया। अब इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझिए, इसका मतलब है कि आप इस पर क्लिक करके कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड वर्ड पैड ओपन करके आप उस पे, जैसे मैंने वर्ड पैड पे ओपन किया तो वो मेरा वर्ड पैड सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ माई नेम इज सेफ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज किया तो यहाँ देखिए माई नेम इज मोहम्मद सैफ अख्तर आ गया, माई नेम इज सैफ। तो ये इसको आप ओपन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में या इलस्टर में, यहाँ जो भी एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं और एक्सेल में जो भी फॉर्मेट करेंगे और यहाँ आप क्लोज कर देंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ और एक्सेल ओपन करता हूँ, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गया और यहाँ देखिए एक्सेल वर्कशीट ओके किया ओपन हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया SN सीरियल नंबर 1, इंटरफेस किया और यहाँ पर कंट्रोल के साथ 7 यहाँ पर लिख दिया नेम और यहाँ देखिए यहाँ ओपन होता रहा। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया, और यहाँ क्लोज कर दिया, एक सीट ओपन हो चुका है, समझ गए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ और इंसर्ट के बारे में। तो मैं एडिट वाला ऑप्शन मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो इस चारों का जो मैंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराया इसको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आप इसे जरूर पूरा कीजिएगा और हमें ईमेल कीजिएगा। ईमेल यहाँ ईमेल नंबर है, ईमेल आईडी है, यहाँ आप हमें ईमेल कीजिएगा बनाने के बाद। तो इसमें देख लीजिए कैसे कैसे बनाना है, मैंने जो जो समझाया हूँ सब इसमें आया हुआ है। आप इसे फोन फैमिली है ये, आप किसी भी दे सकते, जरूरी नहीं कि यही फैमिली हो। तो यहाँ देखिए पूरा मैंने जो पढ़ाया था ये सब आपको बनाना है। यहाँ डेट और टाइम है और यहाँ आपको जो 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 यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ देख लीजिए बोल्ड है, आप इसे बनाइएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, बाय बाय।